हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द एबंडेंट प्रिंस के एपिसोड 67 को नैरेट करेंगे। अभी द एबंडेंट प्रिंस के पास कुछ ही एपिसोड्स बाकी बचे हुए हैं, तो मैं एक नई मानुआ शुरू करने के सोच रहा हूँ। तो अगर तुम लोगों के पास कोई रिकमेंडेशन है तो रिकमेंड कर देना, बस कंडीशन ये है कि मानुआ चाइनीस होनी चाहिए और उसे पहले किसी ने भी एक्सप्लेन ना किया हो। और फिर द एबंडेंट प्रिंस के रेगुलर एपिसोड्स खत्म होने के बाद एक हफ्ते में एक ही चैप्टर आया करेगी। तो चलो अभी नैरेशन शुरू करके एपिसोड की कहानी जानते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है गार्डियंस के मैनर में, जहां पर माराकिम लिवा से बातें कर रहे थे। लिवा उन्हें पूरी बात बताता है कि आखिर यहां पर क्या क्या हुआ था। तो सर, यहां पर ये सब हुआ था। माराकिम कहते हैं, अगर ये सच है तो वाइस लॉर्ड वही है जिनकी हमें कब से तलाश थी। लिवा सोच रहा था ग्रैंड गार्डियन की रेस्पॉन्स थोड़ी स्ट्रेंज है, उन्होंने ज्यादा कुछ भी नहीं कहा, जबकि कोई आ गया है जो कि सुअर डीमन का लर्निंग्स को आगे बढ़ा सकता है। लिवा कहता है, ग्रैंड गार्डियन क्या कोई प्रॉब्लम है? माराकिम कहते हैं, सिक्स ब्लेड मार्शल स्कूल। लिवा कहता है, क्या यही वो नाम है जो कि आपको कब से परेशान करे जा रहा है? माराकिम कहते हैं, हमने ये बात मीटिंग में नहीं कही थी, पर सिक्स ब्लेड मार्शल स्कूल के एक मार्शल मास्टर हैं जिन्होंने काउंसिल एल्डर सोयू का हाथ काटा है और रेड गार्डियन को अंधा कर दिया है। हम जब ही जेजियांग पहुंचे, हमने पूरी सीक्रेसी मेंटेन करी ताकि किसी को भी हमारे बारे में पता ना चले, पर वो सभी हमारे ऊपर छुपकर हमला करने को तैयार थे। वो सभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और हमसे संख्या में बहुत ज़्यादा थे, पर हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से रेस्पॉन्ड किया क्योंकि हमारी सेंट्रल फोर्स गई हुई थी। फाइट के बीच में तीन ग्रेड मार्शल आर्ट्स मास्टर एपियर हुए, जिसमें से एक स्वॉर्ड टेक्निक, एक ब्लेड टेक्निक और एक क्लॉ टेक्निक को यूज़ कर रहा था, और वो थे सिक्स ब्लेड मार्शल स्कूल के मास्टर। वो लोग स्क्वाड लीडर्स एंड ब्रिगेड लीडर्स को इतने आसानी से मार रहे थे कि काउंसिल एल्डर्स को जाकर उनके साथ ही पर्सनली फाइट करनी पड़ी, पर दो काउंसिल एल्डर्स को मिलकर एक को फेस करना पड़ रहा था। और हम लोग थोड़े ही कंट्रोल करने की पोजिशन में आ रहे थे, पर वो भी खत्म हो गए सेवंथ एल्डर काउंसिल के डेथ और सोयू के हाथ कटने के साथ। और आखिर में जाकर मुझे और लॉर्ड को भी मैदान में उतरना पड़ा। मैंने जिसे फेस किया वह एक मार्शल आर्ट मास्टर था जो कि एक स्वॉर्ड को यूज़ कर रहा था, पर उसे लड़ते हुए मुझे सब कुछ पता लग गया था। स्वॉर्ड टेक्निक्स, पाम टेक्निक्स एंड क्लो टेक्निक्स, सभी में ही बॉडीली मूवमेंट्स थे जिससे कि किसी के भी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ पड़ती है, और उन सभी के टेक्निक्स बस एक ही सिंगुलर मार्शल आर्ट से आई है। माराकिम फिर अपना अपर बॉडी दिखाते हैं जिसमें कि बहुत सारे स्वॉर्ड मार्क्स थे। लिवा सोच रहा था, ये घाव तो सोड के लग रहे हैं, पर ये घाव ब्लेड गॉड के ब्लेड टेक्निक के सिमिलर है। माराकिम फिर कहते हैं, इवन मेरे मूवमेंट टेक्निक के साथ ही मैं उनका टेक्निक्स को डोज नहीं कर पाया। अगर उसने वही सेम टेक्निक को एक सोर्ड से नहीं ब्लेड से यूज करी होती तो मेरा भी वही हाल होता जो कि पहले काउंसिल एल्डर का हुआ। फिर सीन कट होता है बैंक्वेट हॉल में, मतलब जहां पर दावत वगैरह का आयोजन किया जाता है। लॉर्ड और काउंसिल एल्डर्स भी आ चुके थे और जॉन लॉर्ड के पास ही बैठा था क्योंकि वो वाइस लॉर्ड है, पर मुझे यहाँ पर बैठने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। फिर मार्शल आर्टिस्ट अलायंस का गेस्ट आ जाते हैं, टॉप 17 मास्टर में से 6 मास्टर पंग जो कि माउंट हुआ सेक्ट के हेड है। उनके साथ आए थे 7th मास्टर मोयोंग और उनका बेटा यू, और उन लोगों के साथ एक लेडी भी आई थी जो कि अपना चेहरा ढकी हुई थी। वो लेडी कहती है, हेवनली डिमोनिक कल्ट के लॉर्ड को मेरा प्रणाम, मैं फोर्सेस ऑफ जस्टिस मार्शल आर्टिस्ट अलायंस के रिप्रेजेंटेटिव हूँ। लॉर्ड कहते हैं कि आप सभी का स्वागत है, हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि हम मार्शल आर्टिस्ट अलायंस के इम्पोर्टेंट गेस्ट को होस्ट कर पा रहे हैं, पर आखिर ये कौन सी मैनर है जो मार्शल आर्टिस्ट अलायंस को रिप्रेजेंट कर रही है वही अपना चेहरा नहीं दिखा रही? लेडी कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मैं आपसे मिलने को लेकर इतनी नर्वस थी कि मैं अपने मैनर्स को ही भूल गई। और वो अपना चेहरा सबके सामने लाती है जो देखकर कल्ट के लोग पूरे हैरान हो गए थे, आखिर कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, और सभी लोग उन्हीं को ही देखते जा रहे थे। मोयोंग के बेटे यू सोच रहा था, तुम लोगों का ये एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड था, ये होती है सेंट्रल प्लेन्स की ब्यूटी, पर तुम कल्टिस्ट लोग आकर इसके बारे में क्या ही जानोगे? कल्ट के लोग खुजुर कर रहे थे कि शायद ये लेडी दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी है। तभी जो लेडी का बॉडीगार्ड था ताली बजाकर सभी को होश में लाता है। फिर वो लेडी कहती है, मैं मार्शल आर्टिस्ट अलायंस के सेकंड स्ट्रेटेजिस्ट हूँ, आपसे मिलकर मुझे काफ़ी खुशी हुई, मैं आशा करती हूँ कि आप मुझे मेरे खराब बर्ताव के लिए माफ़ कर देंगे। लॉर्ड कहते हैं, मार्शल आर्टिस्ट अलायंस के हेड ने सच में हमें एक वैल्यूएबल गेस्ट भेजा है, मैं आपको फिर से ग्रेट करता हूँ, आपका स्वागत है हेवनली डिमोनिक कल्ट में। पंक कहते हैं, इतना अच्छे वेलकम के लिए आपका शुक्रिया, पर आपने हमारे लिए जो खाना तैयार किया है वो तो ठंडा ही होता जा रहा है, तो चलिए जल्दी से खाना खाने बैठ जाते हैं क्योंकि मुझे इस दावत का कब से इंतजार था। लॉर्ड कहते हैं, मास्टर पंक बिल्कुल सही कह रहे हैं, जल्दी से गेस्ट को सर्व करो। फिर सामक खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, और फिर योन, और फिर हुआन, और फिर एक एक करके सभी खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। पंक सोच रहे थे, मैंने इनके बारे में एक ना एक बार तो इंटेलिजेंस के पास से सुनी है। फिर चोन खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मैं हूँ चोन, इस कल्ट का वाइस लॉर्ड एंड 12th काउंसिल एल्डर, आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। मार्शल आर्टिस्ट अलायंस के लोग सोच रहे थे वाइस लॉर्ड, पर हमने इसके बारे में सुना ही नहीं था कि कल्ट के सक्सेसर को चूज कर लिया गया है। पंक सोच रहे थे, वह काफ़ी यंग लग रहा है, पर वह काउंसिल एल्डर भी है। अब सोच के देखने पर यहाँ पर पोजन क्लान के बायको और डार्क क्लान के मोजिनो एबसेंट है।
मोलंग वहीं पर सोच रहे थे, डीमोनिकल तो 100 के लिए नहीं है, पर वो लड़का तो 20 से ऊपर का नहीं लग रहा, पर मैं एक वॉइस लॉर्ड के पावर को एस्टिमेट नहीं कर सकता। यूं सोच रहा था तो यहाँ पर एक और मॉन्स्टर भी है, एक मॉन्स्टर बिल्कुल उनके जैसा। सभी फिर खाने पीने में व्यस्त हो जाते हैं और बातें वगैरह कर रहे थे। बाहर लेडी का बॉडीगार्ड सोच रहा था, एक काउंसिल एल्डर तो इनफ नहीं होगा, पर चलो काम तो हो ही जाएगा। और वह पॉट में टक्कर मारकर एक साउंड क्रिएट करता है जो सुनकर लेडी खड़ी हो जाती है, और वो कहती है काउंसिल एल्डर योन कि आप थोड़ा सा साइड हो सकती है। सभी यह बात सुनकर काफी हैरान होते हैं। फिर वो लेडी जाकर चियोन के पास में बैठ जाती है। चियोन सोच रहा था उन्हें तो देखकर लग रहा है कि वो काफी नशे में है, पर वो अपने अल्कोहल को अपनी की से नलीफाई क्यों नहीं कर रही। लेडी फिर कहती है, मेरे वॉइस लॉर्ड, मैं आपसे कब से ही मिलना चाह रही थी। ये देखकर यू सोच रहा था आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। फिर वो लेडी जैसे चियोन के हाथ को टच करने की कोशिश करती है, चियोन जल्दी से अपना हाथ हटा लेता है। चियोन सोच रहा था ये तो बड़ी परेशानी की बात है, नैनो ये तो नशे में नहीं लग रही, तो ऐसे नशे में होने का नाटक क्यों कर रही है नैनो फिर फेसियल एनालिसिस को पूरा करने के बाद कहता है। लेडी अभी पूरी हिप्नोसिस के स्टेट में है। तभी उनका बॉडीगार्ड बाहर मन में सोच रहा था अभी बिल्कुल सही समय है, और वो फिर से वही सेम साउंड को क्रिएट करता है, और इस बार लेडी रिएक्ट करके चियोन के ऊपर हमला करती है। ये देखकर मार्शल आर्टिस्ट एलियंस के लोग भी शॉक हो गए थे, पर चियोन उनके हमले को रोक देता है और उन्हें पीछे जाने पर मजबूर करता है, पर वो फिर से हमला करने को तैयार थी। चियोन नैनो को कहता है, तो तुम कह रहे हो हिप्नोसिस में है, क्या उन्हें हिप्नोसिस से बाहर लाने का कोई तरीका नहीं है? नैनो कहता है, एक रास्ता है कि हिप्नोसिस उन्हें खुद ही फ्री कर दे, या फिर उनके नर में इलेक्ट्रिक शॉक देकर उन्हें होश में लाया जा सकता है। चियोन कहता है, ठीक है मैं एक ट्राई करता हूँ। फिर जब लेडी हमला करने के लिए आती है, चियोन उनका सर पकड़कर नीचे बिठा देता है। पंग कहता है, वॉइस लॉर्ड प्लीज रुक जाइए। ह्यूआन फिर कहते हैं, आखिर आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे वॉइस लॉर्ड के ऊपर हमला करने की? पहले अपने स्ट्रेटेजिस्ट को संभालिए और फिर बताइए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। बाहर वह गार्ड सोच रहा था, मुझे बस अभी एक ही शब्द कहना है और ये जगह पूरे बैटल फील्ड में बदल जाएगी। चियोन यहाँ पर नैनो को कहते हैं, जल्दी से इलेक्ट्रिक शॉक दो। इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, लेडी पूरी शांत हो जाती है और अपने होश में आ जाती है। जागियोम कहते हैं, आखिर इसका मतलब क्या है वॉइस लॉर्ड? बाहर गार्ड सोच रहा था, उसने खुद ही चीज़ों को खराब कर लिया, शायद मुझे अभी और कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेडी फिर अपनी आंखें खोलती है और खुद को जगह पर पाकर काफी सरप्राइज होती है और कहने लगती है कि यह क्या हो रहा है, क्या मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया था? गार्ड ये देखकर काफी गुस्सा होता है, आखिर मेरी हिप्नोसिस कैसे टूट गई? तभी एक और आदमी साउंड टेलीपैथी की मदद से उसे कहता है, बिल्कुल भी पैनिक मत करो और सिंपली प्लान बी को यूज करो। और वो आदमी कहता है, ठीक है। और वो इस बार एक और साउंड करता है और इस बार यू कंट्रोल से बाहर चला जाता है, और वो सीधा ही जाता है चियोन के ऊपर हमला करने और कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे स्ट्रेटेजिस्ट के साथ पंगा लेने की? मैं तुम्हें यहाँ पर गाड़ के रख दूंगा। पर हुआन उसे चियोन तक जाने ही नहीं देते और पहले ही रोक देते हैं। यू कहता है, छोड़ो मुझे जाने दो। युआन फिर उसके सर पे मार के उसे बेहोश कर देती है। चियोन सोच रहा था तो 2 सेकंड पहले ही पूरा नॉर्मल था, पर वो अचानक ऐसा क्यों करने लगा? शायद हिप्नोसिस का ही पास में ही है, मैं श्योर हुई किसी एक आदमी का काम नहीं है। नैनो जल्दी से साउंड टेलीपैथी ओवर हियरिंग मोड को एक्टिवेट करो। यहाँ पर वो गार्ड सोच रहा था, मुझे कुछ भी करके यहाँ का माहौल खराब करना ही होगा, और वो साउंड टेलीपैथी की मदद से कहता है, शायद प्लान बी काम नहीं करेगा, मुझे प्लान सी की ओर बढ़ना चाहिए। तभी पलक झपकते ही चियोन उसके पास पहुंच जाता है और उसे पकड़ कर कहता है, तुम्हें आखिर ढूंढ ही लिया। गार्ड कहता है, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? चियोन कहता है, क्या तुम्हें लगा कि मुझे इसके बारे में कभी पता नहीं चलेगा? गार्ड कहता है, सर आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता। चियोन कहता है, मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश मत करो, आखिर तुम्हारा प्लान सी क्या है? तभी वहां पर मोयंग आ जाते हैं और कहते हैं, वॉइस लॉर्ड उसे छोड़ दीजिए, और मैं मना नहीं कर रहा कि हमारे मार्शल आर्टिस्ट एलायंस से गलती हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके बॉडीगार्ड को पनिश करेंगे। चियोन कहता है, स्ट्रेटेजिस्ट का बॉडीगार्ड? क्या ये आदमी सच में आप ही का बॉडीगार्ड है लेडी? मोयंग कहता है कि आखिर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? लेडी पास आकर देखकर कहती है, आखिर ये आदमी कौन है, ये तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं लगता? तभी साउंड टेलीपैथी की मदद से दूसरा आदमी कहता है, अभी हम और कुछ नहीं कर सकते, हमें प्लान सी को यूज करना ही पड़ेगा, जब वो लोग 100 डीमन के बचे हुए चीजों को ढूंढ रहे हैं। चियोन सुनकर काफी शौक होता है और कहता है, 100 डीमन के बचे हुए चीजें? तभी दूसरा आदमी ताली बजाता है और कल के सारे गार्ड स्क्वाड लीडर्स एंड मार्शल आर्टिस एलायंस को उसी लेवल के लोग भी हिप्नोसिस में आ जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। चियोन हैरान होकर सोच रहा था, आखिर ये सारे लोग हिप्नोसिस में कब चले गए? क्या ये ताली ही सबके पीछे है? तो क्या इसका मतलब पहले भी जो ताली बजाई गई थी वो भी इसी के लिए था? पर आखिर एक ताली से इतने सारे लोग हिप्नोटाइज कैसे हो सकते हैं? इसके पीछे और कोई दूसरा रीजन जरूर होगा। फिर मार्शल आर्टिस एलायंस का एक मेंबर कहता है, ये हरामी कल्टिस्ट हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, तो हम भी बस खड़े रहकर देख नहीं सकते, चलो हमला करो। एलायंस तो कल्ट के द्वारा बिछा गया एक जाल है। और फिर सभी फाइट में इन्वॉल्व हो जाते हैं।
इवन मार्शल आर्ट्स के मास्टर एंड कल्ट के काउंसिल एल्डर्स भी लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। जॉन कहता है सभी लोग रुक जाइए, वो सब हिप्नोसिस के अंडर है। पंक कहते हैं हिप्नोसिस आखिर आपका मतलब क्या है। जॉन कहता है स्ट्रेटेजिस्ट का पहले वाजिब बर्ताव और अभी ये झमेला, लगता है कि ये कोई जाल जो कि सेटअप किया गया है कल्ट और मार्शल आर्टिस एलायंस के दूसरे खिलाफ लड़वाने के लिए। पंक कहते हैं वाइसल और तो फिर आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए। जॉन कहता है प्लीज अपने लोगों को ऑर्डर दीजिए ताकि वो फाइट ना करें जो कि अभी तक हिप्नोसिस करने नहीं गए हैं। पंक कहते हैं और जो हिप्नोसिस के अंडर है उनका क्या करना है। जॉन कहता है उनकी चिंता मत करिए, उन्हें मैं संभालूंगा। और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी। और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर देना ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।